हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीन पर। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो यूपी ट्रिपल एससी से निकल कर आई है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की परीक्षा हुई, उसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी हुए, बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस पर आपत्तियां भी थी कि जो है इनके क्वेश्चंस को गलत किया जाए, इन पर बोनस दिया जाए या इनके आंसर को बदला जाए। तो आज जो है उसको लेकर के यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो है रिवाइज्ड आंसर की भी जारी हो चुकी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या है, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवका की बेस्ट बुक के बारे में। आप लोगों यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य सेवका की आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो उस सिलेबस के आधार पर चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक जो है मार्केट में आ चुकी है। लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां पर भी जाकर आप ले सकते हैं। ये बुक जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहां पर तैयार की गई, पूरी कंप्लीट जो है यहां पर स्टडी गाइड आपको यहां पर दिख रही होगी। इसमें जो है 100% गारंटीड बताया गया कि अगर आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेक्शन पक्का है। साथ ही साथ 2000 से ज्यादा आपको इसमें एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, जिससे आपको एक अंदाजा जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाले हैं। तो बेहतरीन बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बाकी अगर आप चाहें तो मार्केट में भी कहीं से भी इसको आप ले सकते हैं, मार्केट में बेहतरीन बुक इस समय ये चल रही है। करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस 7 सितंबर यानी आज ही जारी कर दी गई है। यहां पर बताया गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन है, तो संपन्न मुख्य परीक्षा के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र की 8 सीरीज जो भी ए से लेकर एच तक थी कि उत्तर कुंजी जारी किए जाने के संबंधी सूचना, ठीक है, यहां पर दिया गया है, दिनांक 1 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। उपरोक्ता अनुसार दिनांक 1 अगस्त 2022 को अपलोड की गई उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के फलस्वरूप प्रश्नगत परीक्षा के प्रश्नपत्र के 8 सीरीज की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। तो जो रिवाइज आंसर सी है वो आज जारी कर दी गई है। और आपको हम दिखा दें कि आप लोगों का जो भी होगा, आपका जो भी सीरीज है बुकलेट की ABCDEFGH जो भी सीरीज है, आप उसको देख सकते हो। 3 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। अगर मैं आपको बता दूं यहां पर 3 प्रश्न में, एक प्रश्न है जिसमें फुल मार्क दिया गया है यानी कि सभी को बोनस दिया गया है। एक क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा उसमें कौन से क्वेश्चन में बोनस है, और क्वेश्चन नंबर यहां पर 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, दो के जो है आंसर में बदलाव किया गया। मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 69, ये जिनकी बुकलेट नंबर ए है उनमें, जिनका बुकलेट नंबर ए है उनके 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बताया गया है, और क्वेश्चन नंबर 69 का डी बताया गया है, और क्वेश्चन नंबर 15 पे फुल मार्क दिया गया। बाकी आपकी जो सीरीज है उस आधार पर है। हालांकि सभी सीरीज में जो है एक नंबर जो है आपको बोनस दिया गया है और 2 क्वेश्चन का जो है आंसर बदला गया है। समझ में आ गया? आप लोग कमेंट में एक बार इसको आप रिवाइज आंसर की को मिला लीजिए, उसके बाद आप कमेंट में जरूर करिए कि आपके जो है टोटल कितने नंबर जो है बन रहे हैं आपके रिवाइज आंसर की के द्वारा, ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा एनालिसिस के माध्यम से आपको ये बता दिया जाए कि लगभग जो है आपकी कटाव यानी एक्सपेक्टेड कटाव कितनी जा सकती है। बाकी अगर आप अब जो है रिवाइज आंसर किया गई है तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भी उम्मीद है कि आपके अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर में आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि काम जो है थोड़ा तेजी से यहां पर चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।